नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्नातकों को सीनेट परिवर्तन पैनल की ओर से चुनौती दी जा रही है कि प्रतिनिधि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले ताकि उनके माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। यह छात्रों और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में योगदान देगा। सीनेट परिवर्तन पैनल की ओर से पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों को चुनाव में सहभाग लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आपको इस आयत के लिए सीनेट ट्रांसफॉर्मेशन पैनल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय का सीनेट चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सीनेटर व्यवहार नहीं होगा, समाज में एकजुट होकर और विश्वास पैदा करके न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2017 में सीनेट ट्रांसफॉर्मेशन पैनल का गठन किया गया है। नागपुर सीनेट चुनाव 2018 में सभी अंबेडकरवादी और बहुलवादी वैचारिक संगठनों के एक पैनल के माध्यम से हुए थे। सीनेट परिवर्तन पैनल के लिए दो उम्मीदवार प्राध्यापक प्रशांत डेकाटे और माननीय सामान्य वर्ग में शिलवंत मेशराम को बहुमत से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह आरक्षित समूहों के चार उम्मीदवारों को दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे, क्योंकि अब इस आदर्श वाक्य के माध्यम से समुदाय की एकता और अखंडता का निर्माण करने के लिए काम कर रही है। सीनेट परिवर्तन पैनल का संयोजक आज आम्ही या ठिकाणी पदवीधरांना आवाहन करण्याकरिता प्रेस कॉन्फरन्स या ठिकाणी घेत आहोत। आम्हाला पदवीधरांना आवाहन यासाठी करायचं आहे की येणाऱ्या काळात विद्यापीठाचे जे प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांचे जे प्रश्न आहे, ते मार्गी लावण्यासाठी आणि त्यांच्यावर आता त्या प्रश्नांवर आतापर्यंत ज्या संघटना फुलेशाह आंबेडकर विचाराच्या संघटना काम करत आहेत, सीनेट परिवर्तन पॅनल काम करत आहे। मागच्या काळात आम्ही दोन सीनेट सदस्यांनी ज्या पद्धतीनं काम केलं हे काम लक्षात घेता आणि एकंदरीतच प्रस्थापित पॅनलचं जर आपण काम पाहिलं तर त्यांनी कुठल्याच पद्धतीनं विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं नाही आणि मागच्या 5 वर्षापासून आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करत आहोत। संघटनेच्या माध्यमातून पॅनलची ज्या काही संघटना सहभागी संघटना जोडल्या आहेत त्यांच्या माध्यमातून, तर हे सर्व लक्षात घेता आम्ही पदवीधरांना या ठिकाणी आवाहन करतो की त्यांनी सीनेट परिवर्तन पॅनलच्या पाठीशी उभं राहावं। सीनेट परिवर्तन पॅनलला ताकदीनं आणि एक सपोर्ट करून कसं मोठं करता येईल आणि सीनेट परिवर्तन पॅनलचे या येणाऱ्या 2022 सीनेट निवडणुकीत 10 चे 10 उमेदवार कसे निवडून पाठवता येतील यासाठी पदवीधरांनी आम्हाला सपोर्ट करावं। आपल्या नावाची नोंदणी त्यांनी नोंदवहीत रजिस्टर करावी आणि येणाऱ्या काळात मतदार म्हणूनसुद्धा बी फॉर्म भरावं आणि सीनेट परिवर्तन पॅनलच्या पाठीशी उभे राहून परिवर्तनवादी व्यवस्था कशी निर्माण करता येईल, एक परिवर्तन कसा आणता येईल असा विचार पदवीधरांनी करावा, एवढंच या ठिकाणी सांगतो। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।